ओके बेटा, हम लोग पहुंचे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मैक्सिमम लॉस मेथड है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमी रमी एंड गमी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये 3:1 बहुत काम आएगा सब जगह पे। ऑन 31/3/2010 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड रियलाइज एसेट्स इन पीसमील एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वाज एट अंडर। अब यहाँ पे आप लोगों को लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है कैपिटल अमी रमी गमी का, क्रेडिटर्स लोन अमी और रमी का, ये 6 अमाउंट्स आप लोगों को दी हुई है। हम लोग ये 6 कॉलम बनाएंगे। सीधी बात है, जो भी सारी लायबिलिटी साइड पे अमाउंट दी हुई है उन हर एक अमाउंट का हम एक अलग कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले जिसको पे करना हो उसका कॉलम पहले, तो इन सब में से सबसे पहले पे होगा क्रेडिटर्स, तो हम पहला कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स का, मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद जो 6 अमाउंट के कॉलम है उसमें पहले क्रेडिटर्स, फिर लोन अमी और रमी का, फिर कैपिटल ए आर जी। तो मैंने स्टेटमेंट बना के रखी है, इस तरीके की स्टेटमेंट आपको बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स बाय जो मेथड का नाम हो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लॉस मेथड। ये पर्टिकुलर्स पहले पे करेंगे क्रेडिटर्स को, फिर अमी और रमी लोन को साथ में पे करेंगे, फिर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल साथ में पे करेंगे, अमी रमी गमी, मतलब क्रेडिटर्स स्टेप 1, स्टेप 2 में अमी और रमी का लोन, और स्टेप 3 में अमी रमी गमी तीनों का कैपिटल। ओके, ये क्वेश्चन 8 है। अब मैं सबसे पहले ये सारे बैलेंसेस लिखूंगा, क्रेडिटर्स 32, लोन 6 और 4, क्रेडिटर्स 32,000 है, लोन 6,000 और 4,000 है। ये आंसर में मैं लिखूंगा, अभी आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, अभी सिर्फ सुनोगे सब लोग। 32,000 क्रेडिटर्स, 6,000, 4,000 दोनों का लोन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, 32,000, 6,000, 4,000। ओके, अभी अमी रमी गमी का कैपिटल, अमी रमी गमी का जो कैपिटल है वो है 28,000, 14,000, 2,800, 28,000, 14,000, 2,800। तो 28,000, 14,000, 2,800, 28,000, 14,000, 2,800, ये तीनों का कैपिटल हो गया। फिर एसेट साइड पे, एक मिनट मैं अमाउंट चेक करूं, सही है। फिर एसेट साइड पे आपको मालूम है कि सिर्फ कैश एंड बैंक हमारे काम का होता है, और ये जो एसेट्स लिखा हुआ है 81,200 एसेट्स, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये कैश है 5,600। तो जो कैश है 5,600 उसको हम लोग वर्किंग नोट्स में लिख देते हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले कैश बैलेंस कितनी अमाउंट थी, कैश बैलेंस की 5,600, कैश बैलेंस की नेट अमाउंट 5,600। आगे उसके बाद एडजस्टमेंट दी हुई है, अदर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट, रियलाइजेशन मतलब इतना पैसा मिला, डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब जितना पैसा मिला उसमें से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। तो ये रियलाइजेशन मतलब ग्रॉस अमाउंट, तो मैं 16,800 लिखूंगा वर्किंग नोट्स में। यहां पे मैं पहले लिख देता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ग्रॉस अमाउंट दी हुई है 16,800, तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं यहां पे ग्रॉस अमाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ग्रॉस अमाउंट दी हुई है 16,800। ओके, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है 1,400, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,400, ये माइनस हो जाएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये माइनस हो जाएगा 1,400। इधर मैं हेडिंग में लिख देता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,400, कैश में कोई एक्सपेंस नहीं होता है, जीरो। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है
वो है 14,400 और इसका एक्सपेंस है 1100, 14,400 और 1100, दो मिनट टाइम जाएगा, बट बाद में हमको क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा। 14,400 और 1100, इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट है 24,800, 980, 24,800, 980, आगे 24,800 और 980, उसके बाद है 21,800 और 1520, 21,800, 1520, 21,800, 1520, then 21,800 और 1520, हो गया। फिर लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट लास्ट लाइन में, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड, विच एवर यू लाइक। अब एग्जाम में तो कोई भी एक मेथड करना, बट आज मैं मैक्सिमम लॉस मेथड बताऊंगा। एग्जाम में आप अगर ऐसा और लिखा हुआ हो तो आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो, पर क्योंकि सरप्लस कैपिटल मेथड में मैं दो क्वेश्चन बता चुका हूं तो आज मैं मैक्सिमम लॉस मेथड सिखाऊंगा। आगे अब यहाँ पे नेट अमाउंट आएगा सारे इंस्टॉलमेंट्स का, नेट अमाउंट तो इक्वल टू सम फ्रॉम 5600 टू जीरो, तो कैश का नेट अमाउंट 5600, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,400, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13,300, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 23,820, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 20,280। मतलब मैंने सब जगह पे ग्रॉस अमाउंट में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो नेट अमाउंट आ गया सब जगह पे, ठीक है। अब ये कैश बैलेंस एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो कैश बैलेंस है नेट अमाउंट 5600, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट है नेट अमाउंट 13,300, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट है 20,280, ठीक है। अब ये सारा वर्किंग नोट हमको काम आएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अभी क्वेश्चन पेपर देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं है, अभी सब कुछ यहाँ से ही हो जाएगा। तो कैश बैलेंस 5600 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,400, 5600 प्लस 15,400, 5600 प्लस 15,400, ये है हमारा कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब क्या होता है, कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों को हमेशा कंबाइन करके स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग से सॉल्व करते हैं, कैश बैलेंस सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड होता है और कहीं पे भी नहीं। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल कितना होगा, 5600 और 15,400, टोटल हुआ 21,000। मतलब एट प्रेजेंट हमारे पास 21,000 रुपीज कैश पड़ा है और हम लोगों को क्रेडिटर्स को पे करना है 32,000, हमारी लाइबिलिटी है 32,000 और हमारे पास कैश पड़ा है 21,000, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम क्रेडिटर्स को ये 21,000 पे कर देंगे और किसी को भी कुछ भी नहीं। पहले क्रेडिटर्स खत्म होगा फिर ही अमी और रमी का लोन आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 21,000 माइनस 21,000 माइनस और क्रेडिटर्स में दे भी 21,000 माइनस और किसी को भी कुछ भी नहीं, अमी लोन रमी लोन अमी रमी गमी का कैपिटल, किसी को भी कुछ भी नहीं, फिलहाल किसी को कुछ भी नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है बेटा, पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब कितना कैश हमारे पास आया, और ये जो पीछे छह कॉलम्स है इसका मतलब है कौन सी लायबिलिटी को हमने कितना पैसा पे किया। पर्टिकुलर्स के कॉलम में पैसा आएगा और बाकी छह कॉलम्स में हम पैसा पे करेंगे,
तो जब हम 21,000 पे कर देंगे तो हमारा कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा और हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो अभी हमारा कैश कितना बचा, मतलब फाइनल कितना पैसा बच गया हमारे पास, तो कैश बचा 0, क्रेडिटर्स में बचेगा 32,000 में से 21,000 पे कर दिया तो बाकी बचा 11,000, अमीज लोन 6,000 सेम, रमीज लोन 4,000 सेम, अमी का कैपिटल 28,000 सेम, रमी का कैपिटल 14,000 सेम और गमी का कैपिटल 2800 सेम, बाकी सबको सेम रहेगा, ये 11,000 हो जाएगा क्रेडिटर्स। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और कैश बैलेंस कंप्लीट हो गया, पैसे पूरे हो गए। अब यहाँ पे दो लाइन छोड़ देंगे हम लोग, दो लाइन छोड़ के हम लोग शुरू करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब देखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में वर्किंग नोट्स में जाएंगे, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है और इसकी नेट अमाउंट है 13,300। ये इसकी नेट अमाउंट है 13,300 सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट में 13,300 लिखा। अब हमारे क्रेडिटर्स हैं 11,000 और हमारे पास पैसा पड़ा है 13,300। तो हम क्या करेंगे, 13,300 में से 11,000 क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड या पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट या पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पैसा पे करूंगा मैं, 11,000। तो 11,000 कैश में से भी कम हो जाएगा और 11,000 क्रेडिटर्स में से भी कम हो जाएगा और किसी को कुछ भी नहीं, और किसी को कुछ नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं। तो कैश भी 11,000 कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी 11,000 कम हो जाएगा। अब बैलेंस, बैलेंस तो हमारे पास कैश का बैलेंस कितना बच जाएगा, 13,300 माइनस 11,000, 13,300 माइनस 11,000 तो ये होता है 2,300। कैश इतना बच गया 2,300, क्रेडिटर्स कितना बचा 0, अमी लोन 6,000 सेम बच गया, रमी लोन 4,000 वो भी सेम बच गया, अमी का कैपिटल 28,000 सेम, रमी का कैपिटल 14,000 सेम, गमी का कैपिटल 2,800 सेम, बाकी तब सेम रहेगा, क्रेडिटर्स 0 हो जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पूरा क्वेश्चन सेम ही जा रहा है, जैसा सरप्लस कैपिटल मेथड होता था वैसा ही जा रहा है। तो आपको अगर लास्ट दो क्वेश्चंस मेरे याद हो तो मैंने यही बोला था कि जब से लेकर पार्टनर्स का कैपिटल पे करना होता है ना, ये 28,000, 14,000 और 2,800, जब से लेकर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पे करना होता है तब से लेकर मेथड काम आता है। क्रेडिटर्स में कोई मेथड नहीं होता है, अमी लोन और रमी लोन में कोई मेथड नहीं है, इनकी अमाउंट के रेशियो में पे करना है, इन दोनों की अमाउंट के रेशियो में पे करना है, सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो। तो जब तक ये पहले तीन कॉलम पे होंगे तब तक दोनों मेथड का आंसर सेम होता है, मतलब आधा स्टार्टिंग वाला हाफ आंसर सरप्लस वाला मेथड हो या मैक्सिमम वाला मेथड हो, दोनों मेथड में सेम रहता है। अभी हम लोगों को पे करना है अमीज लोन और रमीज लोन, तो हमको पे करना है 6,000 और 4,000, टोटल 10,000, लेकिन हमारे पास जो पैसे पड़े हैं तो वो 10,000 नहीं है, हमारे पास पैसे 2,300 है। ये 2,300 हम लोगों को अमी और रमी को पे करने हैं, ठीक है, सीधी बात है, पहले अमी को पे करूंगा तो रमी रुस जाएगा और रमी को पे करूंगा तो अमी रुस जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,300 को दोनों को पे करेंगे दोनों की अमाउंट के रेशियो में, लेस पेड टू अमीज लोन एंड रमीज लोन, इनकी अमाउंट के रेशियो में। अब इनकी अमाउंट है 6,000 रेशियो 4,000, मतलब 3:2। अब टेक्स्ट बुक वालों को ने गलती क्या कर दी, टेक्स्ट बुक वालों ने इनकी अमाउंट का रेशियो भी 3:2 आ रहा है, और आप अमी और रमी का पीएनएल रेशियो देखोगे ना तो पीएनएल रेशियो भी अमी और रमी का 3:2 है। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे सीखेंगे कब, पीएनएल रेशियो भी वही दिया है 3:2 और अमी और रमी के लोन की अमाउंट का रेशियो भी वही है 3:2, तो बच्चे सीखेंगे कैसे।
कोई अलग रेशियो देना चाहिए था, थोड़ा टिपिकल, ठीक है। तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा 3:2, ये पीएनएल रेशियो वाला 3:2 के अमाउंट के रेशियो वाला 3:2। तो याद रखना अमाउंट के रेशियो वाला 3:2, जो भी इनकी अमाउंट का रेशियो है उस रेशियो में पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2300 रुपीज हमारे पास पड़े हैं, ये 2300 हम माइनस कर देंगे कैश में दे, और ये 2300 हम पे कर देंगे अमी और रमी को। अमी को 2300 मल्टीप्लाई 3/5, याद रखना मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ 3/5, 3/6 नहीं। तो ये आया 1380, और रमी को 2300 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये आएगा 920। बाकी कैपिटल को कुछ नहीं, कैपिटल को कुछ नहीं, कैपिटल को कुछ नहीं। अब मैं बैलेंस फाइंड आउट करूंगा सबका कितना आ रहा है। तो कैश का बैलेंस हो जाएगा 0, यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंस, कैश का बैलेंस हो जाएगा 0, क्रेडिटर्स पहले से ही 0 है। यहां पे हो जाएगा हमारा लोन में 6000 में दे माइनस 1380, तो ये आएगा 4620। यहाँ पे हो जाएगा 4000 में दे माइनस 920, तो ये आएगा 3080। और जो कैपिटल है सबका 28000 वो सेम, 14000 वो सेम, और 2800 वो भी सेम। मैं कॉमा लगा देता हूँ सब जगह पे, दो मिनट रुक जाओ, यहाँ से लेकर कॉमा लगाना शुरू कर देते हैं जैसे दूर से दिखाई दे अच्छी तरह। ठीक है बेटा, अब क्या सारी अमाउंट्स में कॉमास लगी हुई होंगी, तो अच्छी तरह आपको देखेगा ये 4620 3080 आपको अच्छी तरह देखेगा। तो हमारे पास 2300 रुपीस थे, वो 2300 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमी और रमी के लोन में 3/5 और 2/5 डन। यहाँ पे 6000 माइनस 1380, यहाँ पे 4000 माइनस 920। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में जाते हैं, कितना है थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारा ये वाला 23820, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट 23820। तो हम लोग 23820 पे करेंगे यहाँ पे, थर्ड इंस्टॉलमेंट 23820। ये 23820 में थे, सबसे पहले हम लोग ये अमी और रमी का लोन पे करेंगे। तो 4620 और 3080 ये होता है 7700, ये होता है 7700, मतलब इन दोनों को मिला के, अमी और रमी का लोन मिला के हमको 7700 पे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेस पेड टू अमी देन रमी इज लोन, कितना 7700। तो 7700 कैश में दे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 7700 का मल्टीप्लाई 3/5, और यहाँ पे 7700 का मल्टीप्लाई 2/5, तो 4620 और 3080 आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0। पार्टनर्स के कैपिटल को फिलहाल कुछ भी नहीं। तो हमको अमी और रमी का लोन पे करना था दोनों को मिला के 7700, तो मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से 7700 माइनस कर दिया, और अमी और रमी में से भी अमाउंट्स माइनस कर दी। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कितना आता है, बैलेंस। तो कैश में 23820 माइनस 7700, बाकी कैश बचेगा 16120, क्रेडिटर्स 0, अमी लोन 0, रमी लोन 0, कैपिटल सेम रहेगा 28000, 14000, 2800 कैपिटल सेम रहेगा, डन। यहां से लेकर हमको पार्टनर्स का कैपिटल पे करना है। अब यहां से लेकर एकदम नया है, एकदम टिपिकल है मैक्सिमम लॉस मेथड, अगर आपको याद हो तो। अगर यहां से लेकर, ओके शुरुआत से शुरू करता हूं, एकदम बिगिनिंग से,
यहां तक आंसर सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, यहां तक सेम ही रहेगा। इसके आगे अगर सरप्लस कैपिटल मेथड है तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा डिवाइड करने का, सरप्लस कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूं, सरप्लस कैपिटल मेथड हो तो इसके आगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डिवाइड करना है अपने अपने रेशियो के साथ, डिवाइड करना है अपने अपने रेशियो के साथ, फिर जो लोएस्ट अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है तीनों के साथ। अब अगर सरप्लस कैपिटल मेथड हो तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम लॉस मेथड हो तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाते। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत कुछ नया, बहुत कुछ टिपिकल है। अगर मैक्सिमम लॉस मेथड हो तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लॉस इक्वल टू बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट, ये मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला। बैलेंस ऑफ कैपिटल्स मतलब ये तीनों 28,000, 14,000 और 2800। तो 28,000 प्लस 14,000 प्लस 2800 ये बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, माइनस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब जितना पैसा हमारे पास पड़ा है 16120। बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब ये तीनों पार्टनर्स का कितना कैपिटल का बैलेंस है माइनस जितना पैसा हमारे पास पड़ा है। तो ये इक्वल टू, पहले मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो 28,000, 14,000 और 2800, इन तीनों का टोटल होता है 44,800। इन तीनों का टोटल होता है 44,800 माइनस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 16120 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इक्वल टू 44,800 माइनस 16120। 44,800 माइनस 16120, तो ये मैक्सिमम लॉस आया हमारा 28,680। अब ये जो मैक्सिमम लॉस आया हमारा 28,680, इस मैक्सिमम लॉस को हम तीनों पार्टनर्स में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब बहुत लेंदी हो रहा है, मेरे को मालूम है बहुत लेंदी हो रहा है, बट ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा मैक्सिमम लॉस का। तो मैक्सिमम लॉस इक्वल टू बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। मैक्सिमम लॉस मतलब क्या, कि अमीर अमी गमी तीनों पार्टनर्स ऐसा अज्यूम करते हैं कि आज इन तीनों पार्टनर्स का मिला के टोटल कैपिटल है 44,800, आज पैसे पड़े हैं इतने 16120। तो पार्टनर्स लोग क्या अज्यूम करते हैं, पार्टनर्स लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर आज के बाद कोई पैसा मिलना ही नहीं वाला हो, मान लो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसे पड़े हैं 16120, इसके बाद कोई पैसा नहीं आने वाला हो, यही लास्ट अमाउंट है, तो पार्टनर्स का मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो पार्टनर्स लोग अज्यूम करते हैं कि अगर ये आखिरी पैसे हो तो क्या होगा। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल माइनस जितना पैसा पड़ा है, बाकी जो बचा 28,680, पार्टनर्स लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि बस इसके बाद पैसा नहीं मिलेगा, तो ये मैक्सिमम लॉस है 28,680। अब तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इस 28,680 को पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इक्वल टू माइनस 28,680 मल्टीप्लाई 3/6, ओके, इक्वल टू माइनस 28,680 मल्टीप्लाई 2/6, इक्वल टू माइनस 28,680 मल्टीप्लाई 1/6, तो 3/6, 2/6, 1/6, 1/6, ओके। तो ये 28,680 मल्टीप्लाई 3/6, ये 28,680 मल्टीप्लाई 2/6, 3/6, 2/6, और ये 28,680 मल्टीप्लाई 1/6, ये तीनों पार्टनर्स का मैक्सिमम लॉस हुआ 28,680। ये मैंने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों पार्टनर्स का कितना बैलेंस बच गया, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस कितना बचा वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना बैलेंस बचा। सुनना ध्यान से,
अब अमी का कैपिटल था 28,000, उसमें से अमी का लॉस हुआ -14,320, इतना लॉस हुआ। तो अमी का कैपिटल है 28,000, उसमें से 14,340 लॉस हुआ, बाकी जितना अमी का पैसा बचा 13,660, इतना पैसा हम अमी को पे कर देंगे। सुनना, अभी भी बहुत टिपिकल पोर्शन बाकी है। अमी का जितना कैपिटल था, उसने अमी का जितना लॉस हुआ वो माइनस कर दिया, बाकी पैसा हम अमी को पे कर देंगे। रमी का 14,000 कैपिटल था, उसने 9,560 लॉस हुआ, बाकी हम 4,440 पे करेंगे। इसमें 28,000 माइनस 14,340, इसमें 14,000 माइनस 9,560, और इसमें 2,800 माइनस 4,780। तो पहले मैंने मैक्सिमम लॉस को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मैक्सिमम लॉस आया 28,680, ये मैंने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में माइनस कर दिया। फिर तीनों पार्टनर्स का कितना बैलेंस आया वो सॉल्व किया। मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, सम मतलब 28,000 से लेकर 14,340 तक। तो ये आया 13,660, अमी का कैपिटल इतना बच गया, रमी का कैपिटल इतना बच गया, गमी का कैपिटल इतना बच गया। अब क्या हुआ, अगर तीनों का, अमी रमी और गमी का, अभी और बहुत हार्ड बाकी है बेटा, अगर तीनों का कैपिटल, अमी रमी और गमी का कैपिटल यहाँ पे प्लस में होता, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तीनों प्लस में होते तो वही हमारा पेमेंट होता, वही हम तीनों पार्टनर्स को पैसा पे कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में जो तीसरा नंबर पार्टनर है गमी का जितना कैपिटल था 2800, उससे ज्यादा गमी को लॉस हुआ 4780। इसको हम लोग बोलते हैं 1980 को हम लोग बोलते हैं 1980 को हम लोग बोलते हैं एक्सेस लॉस। एक्सेस लॉस मतलब जितना कैपिटल था उससे ज्यादा लॉस हो गया गमी का। तो गमी का जो एक्सेस लॉस है 1980, ये 1980 बाकी के दो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। ये 1980 अमी एंड रमी को बेयर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में ध्यान देना सब लोग। ये 1980 अमी और रमी को बेयर करना पड़ेगा, इक्वल टू -1980 मल्टीप्लाई बाय 3/5। याद रखना 3/5, 3/6 नहीं, 3/5। और यहां पे इक्वल टू -1980 मल्टीप्लाई 2/5। तो एक में आया 1188, एक में आया 792। मतलब जो गमी का एक्सेस लॉस था 1980, वो अमी और रमी को बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1980 में हो जाएगा +1980, तो ये हो जाएगा 0। सुनो अभी ध्यान से और आगे टिपिकल बातें। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेस लॉस ऑफ गमी गिवन टू या टू बी बॉर्न बाय अमी एंड रमी, कौन से रेशियो में, 3/5 रेशियो 2/5। मतलब जितना एक्सेस लॉस था ये 1980, ये चला जाएगा अमी और रमी में। तो 1980 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 1980 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और गमी में हो जाएगा 1980 पहले जो माइनस था उसको प्लस करके 0 बना देने का, गमी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम फिर से फाइंड आउट करते हैं कि कितना पैसा पे करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू सम फ्रॉम 1360 टू -1188, बाकी बचा अमी का प्लस में 12,472, रमी का प्लस में 3,648, और गमी तो 0 ही हो जाएगा, गमी 0। अब इतना पैसा 12,472 और 3,648, इतना पैसा हम लोग अमी और रमी को पे करेंगे, क्योंकि आप देखोगे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब जो पेमेंट आया उसको इस तरीके से लिखना है, ऊपर भी सिंगल लाइन, नीचे भी सिंगल लाइन, ये हमारा पेमेंट है। इतना पैसा हमने पे किया
अमी और रमी को, और जादू बोलो, नॉनसेंस बोलो, जो भी आप बोलो, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना 1 2 4 7 2 और 3 6 4 8, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, 1 2 4 7 2 प्लस 3 6 4 8, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो उतना ही पैसा आएगा 1 6 1 2 0 जितना हमारे पास इंस्टॉलमेंट में पड़ा था। देखो हमारे पास कितना पैसा पड़ा था, 1 6 1 2 0, उतना ही पैसा हमने पे कर दिया 1 6 1 2 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस 1 6 1 2 0, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेड टू अमी एंड रमी कैपिटल। ये हमने अमी और रमी के कैपिटल को पे कर दिया, पेड टू अमी एंड रमी कैपिटल 1 6 1 2 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं कलर बैकग्राउंड कलर करके समझाता हूं कि किस में दे क्या माइनस करना है। अब क्या करना है, ये जो चार अमाउंट्स हैं, मैं कोई अलग कलर कर देता हूं, ये जो चार अमाउंट्स हैं 1 6 1 2 0, 28,000, 14,000, 2800, इन चार अमाउंट्स में दे ये चार अमाउंट्स माइनस करने हैं। ठीक है, मैं उनको नाम भी दे देता हूं ए बी सी डी करके, जैसे आपको याद रहे। ये हुआ हमारा स्मॉल ए, ये हुआ स्मॉल ए, और ये हुआ हमारा स्मॉल बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल सी, स्मॉल सी इक्वल टू ए माइनस बी, स्मॉल सी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, मतलब पहले चारों कॉलम का ये ए वाला बैलेंस था, फिर उसमें से हम लोगों ने ये बी वाली अमाउंट पे कर दी, बाकी बैलेंस कितना बचा, तो ऑब्वियसली ये सी इक्वल टू ए माइनस बी, मैं यहां पे लिख देता हूं सी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहां पे मैं नया बैलेंस फाइंड आउट करूंगा कि पार्टनर्स का कितना नया बैलेंस आ रहा है। ऑब्वियसली कैश हो जाएगा जीरो, कैश कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमारे पास 1 6 1 2 0 था। ये कलर देखो जो पिंक कलर टाइप है या पीच कलर टाइप है, 1 6 1 2 0 में दे 1 6 1 2 0 माइनस कर देंगे तो कैश का बैलेंस बचेगा जीरो। अब ये है क्रेडिटर्स, अमी लोन, रमी लोन, ये सब ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं। अब कैपिटल में आ जाते हैं, कैपिटल में पहले अमी का कैपिटल 28,000 था, उसमें हमने 1 2 4 7 2 पे किया, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 28,000 माइनस 1 2 4 7 2, बाकी 1 5 5 2 8 बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद रमी का कैपिटल 14,000 था, 14,000 में दे 3 6 4 8 पे कर दिया, तो 14,000 माइनस 3 6 4 8 बाकी 10352। और गमी का कैपिटल 2800 था, उसने दे 0 पे किया, बाकी 2800 डन। अब ये एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। जब मैक्सिमम लॉस मेथड का पैसा पे करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन टिपिकल होती है, इसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसकी कैलकुलेशन इतनी टिपिकल नहीं होगी। ये सबसे हार्ड कैलकुलेशन थी मैक्सिमम लॉस मेथड की, तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है। इसमें वर्किंग नोट नहीं बनता है लेकिन कैलकुलेशन टिपिकल होती है। हमारे पास बैलेंस था थर्ड इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा पड़ा था 1 6 1 2 0, और ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल था 28,000, 14,000, 2800, तो ये तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल हुआ, उसने इतना कैश हमारे पास पड़ा है, बाकी जो बचा 28,680 ये मैक्सिमम लॉस है, ये पार्टनर्स में 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर देंगे। फिर गमी में क्या हुआ, गमी में जितना कैपिटल था उससे ज्यादा लॉस हुआ, तो जो एक्सेस लॉस हुआ गमी का एक्सेस लॉस हुआ हमने अमी और रमी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:5 और 2:5 रेशियो में। अब बाकी जितना पैसा बचा ये अमी को पे कर दिया, ये रमी को पे कर दिया, और गमी को कुछ भी पे नहीं किया। फिर कलर टू कलर मैच करो, ये ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट इक्वल टू सी पॉइंट, ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी होगा सेम, ये सारी कैलकुलेशन फिर से होगी यहां से लेकर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, यहां से लेकर यहां तक। अभी एक और इंस्टॉलमेंट हमारी बाकी है
बट वो लगभग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले इतना आप सब लोगों को लिखना है। ये आंसर है पूरा हमारा, ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन भी देखना हो ये क्वेश्चन है नंबर 8 पीसमील का, ये पूरा क्वेश्चन है, ये आंसर है यहां से लेकर, ये लिखना है आप लोगों को अच्छी तरह से। लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम तक याद रहेगा। अब एक इंस्टॉलमेंट बाकी है, वो लगभग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वर्किंग नोट्स भी लिख लेना। बस फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसका कैलकुलेशन थर्ड से भी ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। अब लिखना शुरू करो।